गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कमलापुर विलेज बिदर हाईवे रोड पर गोवा से हैदराबाद जा रही ऑरेंज ट्रैवल बस एक्सीडेंट में कुल 7 लोगों की मौत हुई और 10 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। जख्मी लोगों को गुलबर्गा यूनाइटेड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बिदर एमपी और यूनियन मिनिस्टर बसवंत खूबा जख्मी लोगों से मुलाकात करने पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए कहा, बस ड्राइवर की गलती है, काफ़ी तेज़ रफ्तार से वो बस चला रहा था। बस में बैठे पैसेंजर्स भी कई बार ड्राइवर को बस आराम से चलाने की सलाह दे रहे थे, पर ड्राइवर काफ़ी तेज़ रफ्तार में था। एक्सीडेंट होने से 7 लोग जिंदा जलकर खाक हो गए हैं। बस में कुल 32 पैसेंजर मौजूद थे, जिसमें 20 से ज़्यादा लोग एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हैदराबाद से गोवा घूमने के लिए निकले और वापस अपने घर लौटने के वक्त यह दर्दनाक हादसा हुआ है। एक्सीडेंट के दौरान बस में आग लगी और जैसे तैसे गांव वालों की मदद से 22 से ज़्यादा लोगों को बस से बाहर निकालने में कामयाबी हुई है और आग तेज़ी से बढ़ने की वजह से 7 लोग बस के साथ जलकर खाक हो चुके हैं। यह हादसा इतना दर्दनाक था, कर्नाटका और तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी ट्वीट कर अफसोस कर रहे हैं। मरने वालों के साथ जख्मी लोगों को कर्नाटका और तेलंगाना गवर्नमेंट कंपनसेशन देने का वादा कर रही है। यूनियन मिनिस्टर बीदर एमपी बसवंत खूबा और गुलबर्गा बीजेपी लीडर चंदू पाटिल के अलावा कई बीजेपी लीडर और दीगर लोग जख्मी लोगों से मुलाकात करने हॉस्पिटल पहुंचे और मीडिया से बात कर तमाम तफसीलात बताई गई हैं। गोवा से हैदराबाद जाते वक्त आज सुबह 6:30 बजे बस का दुर्घटना में बस को आग लग करके 7 लोग, उसमें बच्चे भी है, आग के अंदर पूरा जल के राख हो करके जान गई है और बाकी के लोगों को जो घायल हुए हैं वो लोगों को हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी अधिकारीगण समय पर उस कार्य को हाथ में लेने के जिम्मेदारी उठाने के बाद ही सभी को अस्पताल में ला करके उनको एडमिशन किया है और सभी से मैंने बात किया है। सभी आउट ऑफ क्रिटिकल और डेंजर है, सभी का छोटा मोटा जो भी फ्रैक्चर होगा, इंजरीज, इनसाइड इंजरीज होगा, वो सारे ट्रीटमेंट वगैरह हो रही है। तो ये लोगों को तो बहुत सेफ है। जो 7 जाने गई है उसको पुलिस डिपार्टमेंट ने और हेल्थ डिपार्टमेंट में उन 7 को बॉडियों को पैक करके उनका परिवारों को सौंप दिया है और उनको जाने के लिए सरकार से व्यवस्था भी की है और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं सारे का सारे ट्रीटमेंट की खर्च हमारा कर्नाटक सरकार लेगी और मैं कर्नाटक मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा और हम केंद्र सरकार का परिहार निधि के अंदर जो हम संभावना है तीनों आर्थिक सहायक देने का हम प्रयास करके इस परिवारों को आर्थिक मदद मिलने जैसे हम लोग प्रयास करके हम लोग उनको मदद करेंगे। ड्राइवर बहुत काफ़ी तेज़ से बस चला रहा था और अंदर बैठे हुए पैसेंजर उसको 2-3 बार बोल भी दिया कि इतना तेज़ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो ड्राइवर अपना मूड में वो 120 से ज़्यादा स्पीड से जा कर के बहुत दुखदायक अपघात हुआ है। शायद ऐसा बेजवाबदारी के कारण हुआ है, स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। 6:30 को उधर गुलबर्ग से गुजरते वक्त एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर ज़्यादा स्पीड से चला रहे थे तो हम कालवट पर बाजू गिर रहे थे, लेफ्ट साइड। पूरे 31 मेंबर्स आए, उसमें से 14 मेंबर्स सेफ है, 10 मेंबर्स हॉस्पिटलाइज, 7 मेंबर्स एक्सपायर हो गए, 23 मेंबर्स जवान है, मींस यंग एंड 8 मेंबर्स आर स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम 8 to 4। सीरियस है, बच्चे दो घायल हुए, बाकी के 8 मेंबर्स भी घायल हुए और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है। यूनाइटेड कर्नाटक गवर्नमेंट आके सब चेक कर रही है, सेफ है, हेल्थ तो कर रहे। फैमिली मेंबर्स 3 मेंबर्स है, 2 जने अभी हॉस्पिटल है,
कौन कौन से? एक कल्पना बोल के है, एक तरुण बोल के है, मेरा भी मिसेस है, मेरा बेटा है। 19 इयर्स का तरुण आपका ही बच्चा है? हाँ। कल्पना मैडम आपके वाइफ है? और बाकी के हमारे रिलेटिव्स है, पूरे हमारे मिसेस के भाइना है और उनके पूरा 31। आप क्या पूरे फैमिली टीम ट्रिप मार रहे थे या कहीं जाके आ रहे थे? नहीं, ट्रिप मार रहे, गोवा ट्रिप मार रहे। 28 को इधर से निकले। अच्छा। उधर 4 डे स्टे करे, सेकंड को कल इवनिंग 6:30 निकले। अच्छा। मॉर्निंग ये दुर्घटना हो गया। मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल वसीम, कंसल्टेंट ट्रामा लैप्रोस्कोपिक सर्जन, यूनाइटेड हॉस्पिटल गुलबर्गा। जो सुबह में एक्सीडेंट जो हुआ था कि कमलापुर के करीब, जहाँ पे 7 डेथ्स हुए थे, बस और कोलाइड होने की वजह से हुआ था, फ्राइट बस था। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला कि पेशेंट्स आर बीन शिफ्टेड हियर, तो हम लोग 12 पेशेंट्स रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें से 2 को सीवियर इंजरीज है, जो मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स है, जिसको ऑडी जो है ना ओटी स्टार्ट हुआ है उनका, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। एट प्रेजेंट दे आर आउट ऑफ डेंजर। बाकी के जो 10 पेशेंट्स हैं, उसमें से 1 पेशेंट को लिवर इंजरी, जो हम जो क्लासिफाई करते हैं वो ग्रेड 1-2 के रेंज में है, मेडिसिन चल रहे हैं, शी इज़ क्वाइट स्टेबल। थोड़े से बच्चे हैं और जो अदर पैसेंजर्स थे उनको सुपरफिशियल इंजरीज हुए, मोस्ट ऑफ देम आर स्टेबल। जो प्रीमिलरी जो केयर होना है, जो इन्वेस्टिगेशन होने हैं, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे और मल्टीपल कंसल्टेंट इंक्लूडिंग न्यूरोफिजिशियन, ऑर्थोपेडिशियन एंड न्यूरोसर्जन, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, सभी ने अपने राउंड्स किए हैं एंड इमिडिएटली दोज थिंग्स वर डन। एंड एट प्रेजेंट द 10 पेशेंट्स हु आर देयर, दे आर क्वाइट स्टेबल। एंड जो दो मेजर इंजरीज हैं उनका सर्जरी, एक का सर्जरी हो रहा है अभी, एंड अनदर पर्सन का जो है ना उनको स्लैब ला के रखे, ही इज़ ऑल्सो क्वाइट स्टेबल। पुलिस डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, फायर डिपार्टमेंट से एंड जनरल पब्लिक से एंड द मीडिया कवरेज पीपल, हम लोगों को बड़ी हेल्प हुई है इन चीज़ों से।